वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, अब से कुछ देर पहले नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच गए हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पार्टी की मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए आए हैं। मीटिंग के बाद बात करेंगे, आज ही नीतीश और ललन सिंह की मुलाकात संभव है। हालांकि नीतीश जब पटना में थे दिल्ली उड़ने से पहले, उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हर साल होती है, कल जो बैठक होने वाली है ये सामान्य बैठक है, लेकिन आज ही ललन सिंह से उनकी मुलाकात संभव है। पार्टी की बैठक के बाद बात करेंगे, कुछ देर बाद नीतीश और ललन सिंह की मुलाकात संभव है। शाम को 4 बजे पदाधिकारियों के साथ मुलाकात होनी है, लेकिन जैसी की खबरें हैं जेडीयू में कुछ भी ठीक नहीं है। ललन सिंह को लेकर के बड़ा फैसला हो सकता है। हालांकि नीतीश ने मीडिया से कुछ नहीं बोले कि हर साल ऐसी मीटिंग होती है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच चुके हैं और उन्होंने कहा कि पार्टी की बैठक है, बैठक के बाद बात करेंगे। क्या वो बड़े कदम उठाते हैं, क्या कदम नीतीश द्वारा उठाए जाते हैं, ये देखना होगा। कुछ घंटों का इंतजार और बैठक रखी गई है। कल बैठक है, आज हम लोग आ गए हैं, कल बैठक है, उसके बाद ब्रीफ करेंगे। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रही है, अब से थोड़ी देर पहले जेडीयू दफ्तर से बाहर निकले ललन सिंह। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जेडीयू एक है और एक ही रहेगा। उन्होंने आगे कहा कि नीतीश कुमार जेडीयू के सर्वमान्य नेता हैं। क्या सिर्फ बयान देने के लिए ललन सिंह ने ऐसा कहा है या उनके खिलाफ कोई एक्शन होने वाला है, क्योंकि ललन सिंह पार्टी में फूट डाल रहे हैं। जो खबरें निकल करके सामने आ रही थी, जो जेडीयू के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि पार्टी में कुछ भी ठीक नहीं है, असामान्य स्थिति है, लेकिन अब ललन सिंह कह रहे हैं कि हमारी बैठक है, जेडीयू एक है और सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार से मिले हैं, नीतीश कुमार से वन टू वन मीटिंग होने वाली है नीतीश कुमार के साथ। आ गए, दिल्ली पहुंच चुके हैं, दिल्ली पहुंचे हैं ना, अभी एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं ना, मीटिंग नहीं होगी मेरी। नीतीश कुमार जी इस पार्टी के सर्वमान्य नेता है और जनता दल यूनाइटेड एक है, एक रहेगा, आप चाहे जितना प्रयास कर ले। इस बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार पर बहुत बड़ा हमला बोला है। नीतीश कुमार की सरकार कुछ दिन की मेहमान है, यह कहा गया है उनकी तरफ से। कुछ दिन बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नीतीश कुमार पर गिरिराज सिंह ने बड़ा हमला बोला है और ये कहा कि नीतीश की सरकार कुछ दिन की मेहमान है, कुछ दिन बाद नीतीश कुमार सीएम नहीं रहेंगे। लालू यादव ने पूरा चक्रव्यूह रच दिया है, नीतीश कुमार तेजस्वी को सीएम नहीं बना रहे हैं। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर न्यूज 18 इंडिया पर हम आपको दिखा रहे हैं। गिरिराज सिंह जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, क्योंकि ऐसी भी खबरें हैं कि क्या नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं, लेकिन जब वो पटना में थे उनके साथ सुबह तेजस्वी यादव भी मौजूद थे।